अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों दोस्तों को, नया दिन नया व्लॉग शुरू हो गया है और व्लॉग फिर से मैं बनाने लग गया हूँ कि मेरा मसला हल हो गया है। और अब सुबह उठते ही जो है ना, मैं रात सो गया 10 बजे, जो कि सो समझ में बात आती नहीं है। तो मैं 10 बजे सो के सुबह 6 बजे का जाग रहा हूँ। क्या बोला तूने? और जब मैं टाइम से उठ के वेला बैठ जाऊँ ना, फिर मैं मोबाइल पे ना जानवर ढूंढना शुरू कर देता हूँ। तो खैर, मैंने एक ऐड देखी जो कि मुझे बड़ी पसंद आई। पसंद आने के बाद मैंने उस बंदे से बात की कि भाई क्या मामला था, ये वो सारा कुछ बात हुई, वीडियो देखी। तो फिर मेरी उत्साह हो गई कि यार मैं आ रहा हूँ। तो फिर सबसे पहली बात तो ये कि उस भाई ने ऐड लगाई हुई थी फैसलाबाद की। जब मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, कहता भाई मैं तो हूँ चनेउट से। कहता मैं तो फैसलाबाद की ऐड इसलिए लगाई थी कि वहाँ पर गाहक पड़ जाता। मैं कहा पड़ गया तुझे? तो खैर, मैंने फिर उजैर को बुलाया। मैं कहा उजैर आ चले। और उजैर मेरे से तब का पूछ रहा है कि हम क्या लेने जा रहे हैं। मैंने कहा वो मैंने तुझे नहीं बताया। यार मैं गैस कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी नहीं करूंगा, व्लॉग के बाद करूंगा। अगर मैंने सही गैस किया तो बता। नहीं, कार गैस कर। मुझे शक है तीतर लेने जा रहे हैं। दफा दूर था यार। पहला ही गैस जो है ना, वो इसने जो है ना सही देख लिया, लेकिन कौन सा तीतर लेने जा रहे हैं ये नहीं पता इसको अभी। अब तो दखनी तो लेने नहीं लगा। दखनी नहीं लेने में। काला तो उन्हें वैसे नहीं लेना। नहीं, पीछे रानी बजता है। ये अब जाके पता लगेगा कि कैसा है। पता नहीं, मौके पर जाके वो चीज पसंद आती भी है कि नहीं आती। लेकिन ये इतना दूर नहीं है हमारे इधर से फैसलाबाद, चनेउट है, घंटा ही है। घंटे से भी पहले घंटे में उम्मीद है हम पहुंच जाएंगे। वहां जाके देखते हैं, अगर पसंद आ गया तो ले आएंगे। एक पेयर लेना है मैंने। अच्छा। और एक उसके पास ना बड़ी एक ना डिफरेंट सी चीज है, फीमेल है। उसके लिए ले लेते हैं हम लोग। अपने पास दो पेयर हो जाएंगे, अगर सीजन भी आ रहा है इनका। हाँ, ये तो है। तो उनकी ब्रीडिंग कराएंगे। खैर, हम लोग जा रहे हैं, जाके जो है ना देखते हैं उधर कितनी देर में लगती है पहुंचने में और जो लाइफ वो चीज कैसी लगती है ना। तुझे पता भी सामने देख के मैंने क्या बोलना। हाँ। क्या बोलना है मैंने? तो पहाड़। तो पहाड़ आ गए हैं। हम लोग आए थे चनेउट, लेकिन पहुंच हम लोग इस्लामाबाद के करीब गए हैं। पहाड़ नहीं, बादल है। बादल नहीं है, पहाड़ है। अगर मेरे में उजैर हल्की सी भी हिम्मत होती ना, तुझे ऊपर जाना था पहाड़ के। और मैं हल्का सा पागल होता। मैंने चनेउट वाली पहाड़ी के ऊपर जाना था। मैं एक दफा गया था, सीढ़ियां ही नहीं खत्म होती। वो वाला जगह, वो जो ऊपर टॉप नजर आ रही है ना, क्या ये ज़ूम करता है मेरा फोन। ये टॉप नजर आ रही है ना, पूरा पहाड़ चढ़ के वहां ऊपर गए थे। और वो दिन भी ऐसे नहीं थे आजकल जितने दिन नहीं थे। हमारे दिमाग में 8 बजी हुई थी। हम लोग गर्मियों में गए थे। गर्मियों में गए हम, पता नहीं क्या करने थे। किसी वजह से मित्र को आए थे शायद, जब हम लोग गए ऊपर। खैर, हम लोग मछली खाने आए थे स्पेशल। मछली गर्मी में नहीं खाने आए होंगे, हम किसी और काम आए थे। और हम फिर चुनने का जो चढ़ चढ़ते हैं, वो ट्रैक है आ रहा है। ये ट्रैक है सारा, साथ साथ जा रहा है। वो 3-3 फुट की सीढ़ी है। वो 3-3 फुट की सीढ़ी है। एक सीढ़ी चढ़ो, 2 कदम लो, फिर अगली सीढ़ी चढ़ो। बंदा जो है ना बस हो जाती है उसकी। खैर, अब हम लोग जो है ना अपनी लोकेशन के करीब पहुँच गए हैं। अब यहाँ से जाके जो है ना लेते हैं अपने तीतर, क्योंकि तो बड़ी दिन हो गए थे हमारी कोई न्यू एंट्री नहीं हुई थी। तो मैंने कहा न्यू एंट्री कर ही दे। जो जी, हम लोगों ने अपनी चीज़ उठा ली है, बनारस कश्मीर की एक डब्बे में डाल ली है। अब हम लोग जो है ना मिलते हैं जाकर फार्म पे। वीतू मैंने फ़ोन कर दिया, पिंजरे वगैरह जो है ना इनके जो अंदर रखना है इनको, को सेट कर दे। बाकी जहर इनका जो है ना, जो ब्रीडिंग बॉक्स होता है, उधर याद होकर से पहले बनाया था हमने, उस टाइप का जो है ना वो बनाना है हम लोगों ने। फार्म पहुंच गए हैं और मेरा ख्याल है अब ये डाकू बन के फिर रहा है। इसने स्प्रे मारन लगा। मैं कहा डाकू बन रहे हैं, स्प्रे मारन लगा। जगह मेडिकल स्टोर तो मास्क ही लाया। एक जोड़ा है अपना ईरानी, एक स्पेशल आइटम
स्पेशल आइटम का पिंजरा देखना वा पर पूरे है एक पहले देख के केड़ा वा हल्का जा खोल के देखी कला वा बाह मैं फड़ा दे नहीं फिर नहीं छड़ना है लैदा लैदा रहने दोनों पर कट के छला हूं ही कट पहले कैंची ले आना जंप मार दे पहले इनके पर काट लेंगे यही ना हमारी शो सड़ जाए वही तो मैं कहा पिंजरे में छोड़ के दिखाता हूँ क्या चीज़ें हैं ये आ गया जी हमारा पेयर ईरानियों का ये राइट साइड वाला मेल है लेफ्ट साइड वाली फीमेल है और जो असल चीज़ है ना देखने वाली जिसकी वजह से मैंने ये भी लिए हैं वो मैं दिखाता हूँ वो कौन सी है वो है जी अपनी ये प्योर वाइट कलर के अंदर तीतर है ये उसको पड़ी फीमेल भाई के पास ना एक थी अगर पेयर होता तो मैंने पेयर ही ले आना था ये फीमेल एक ही थी उनके पास मैं कहा फीमेल दो मेल ढूंढते रहेंगे बाद में मेल तो खैर इसके साथ न्याजी वाला भी लग जाएगा और ये पिंजरा हमारा इधर आ गया इसमें आ गए है जी अपनी चकोर फैमिली बड़ी प्यारी सीटियाँ मारते हैं वो दूसरे चूजे भी थोड़े बड़े हो जाए ना वो जो नए निकले हैं वो भी इनके साथ ही छोड़ देने हैं इनको मुझे सर बाहर नहीं निकाला दरवाज़ा खोलते हैं खुद ही बाहर जाएंगे चलो भाई बाहर 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 डक्स बाहर आ गई हैं तीतरों का भी जो मेरा है ना बचपन का सपना वो पूरा हो गया खैर तीतर तो मैंने पहले भी रखे हुए थे ब्रीडिंग मैंने बहुत कराई है 3-4 साल पहले लेकिन जो है ना असल वाइट का था वाइट अब मुझे फीमेल मिल गई है इधर क्या देख रहा है बड़ा हो गया उधर छोड़ दिया बाहर तो निकाल इतना सा बचन जल्दी काटता काट ली है बच्चा ही बट ठीक है इसको भी कर दे और फिर जोड़ा भी उधर कर दे ताकि हमारा इधर वाला भी जो है एक्स्ट्रा ड्यूटी है ना इसे एक पेयर को दाना पानी डालने वाली वो ख़त्म हो जाए अच्छा मुझे नीला रंग बहुत सोहना लगता था तुम्हें ग्रीन तो लगता ही है नीला बहुत सोहना लगता इधर तोते खुश हैं अब बाकी अभी तक कुछ में जाना शुरू हुए हैं नहीं ये नहीं पता पेयर तो लगे हैं पेयर इकट्ठे इकट्ठे होकर फिर फिर रहे हैं चुप कर जाए चुप नहीं करना है उधर की बीमारी के हालात देख लें कोशिश अब से यही है कि जो है ना दिन दिन टाइम जो है ना हम लोगों ने अपना जो कुछ करना है दिन दिन टाइम किया करें रात को थके मारी है ना हम ब्लॉग ना बनाना पड़े खैर इधर जो है ना अपना ये भी बच्चे पल रहे हैं ये भी दो हो गए हैं मच्छर लड़े हुए हैं खैर ये तो नॉर्मल है और यहाँ पर जो बीमारी थी वो उम्मीद है कि क्लियर हो चुकी है
अब इनका जो है ना करते हैं, वहां से ही बच्चे इधर छोड़ेंगे। ओ नाइस, ये तो मैंने देखा ही नहीं था, ये तो वेरी गुड न्यूज है। हमारे गुब्बारों ने भी जी अंडे दे दिए, इनको नहीं अब छेड़ना वरना ये अंडे खराब करते हैं अपने, क्योंकि इनका इतना मजा ना, ये डर के हिलते हैं साथ ही अंडे टूट जाते हैं, इनको छेड़ना ही नहीं है हमने। कल हम लोग बैठे बात कर रहे थे, हमने कहा एक दिन शार्क छोड़ी है, वो मैं कैसे पता लगेगा कि कब कितनी हो गई हैं। खैर 6 महीने बाद जो है ना इनको करेंगे हम लोग, थोड़ा पानी कम करके ना पकड़ के देखेंगे। और हरून साहब ने फिर से जो कहा मैं हमें तोते पकड़ने वाली जाली मिली है, लेके आता हूँ। अभी तक न्याजी को नहीं हमने बताया कि हम लोग ये नया सरप्राइज लेके आए, उस यार को तो खैर पता लग गया था, उसने गैस कर लिया। मैंने वीर को फ़ोन किया, उसने भी गैस कर लिया। जब मैंने कहा ना पिंजरा वगैरह सेट करे, उसने भी गैस कर लिया कि तितर लेके आ रहे हैं। तो जो है ना अब न्याजी के हम रिएक्शन देखेंगे जब वो आएगा। खैर उसने ब्लॉग में तो देख ही लेना है, आज अगर शायद वो आ जाए तो फिर वो उसको देख लेगा। बाकी तीतरों की ना मैं कोशिश करूँगा कि ना तीतरों की जो टाइप्स है ना जितनी हैं अपने मिलती हैं, उनकी जो है ना खसूसियात और जो पहचान होती है ना वो बताऊंगा कल या परसों, कुछ टाइम लगा मेरा, ताकि ना किसी ने अगर तीतर रखने हो तो उनको आइडिया हो कि कौन सा तीतर क्या है, क्योंकि हल्का हल्का फ़र्क होता है इनके अंदर और इनकी क्वालिटी, इनका नाम बदल जाता है। वो हम लोग जो है ना करेंगे, इनका डिफरेंस बता देंगे ताकि अगले बंदे को ना लेने के अंदर आसानी हो। बाकी अब उस एयर आएगा तो फिर अगला हम कुछ सोचेंगे। फिलहाल तो हमारा आज का जो सब मिशन था वो पूरा हो गया। अभी हम लोगों ने सिर्फ वो वाइट वाली अपनी आई है ना उसका कोई सेटअप बनाना है कि उसको हमने किधर रखना है, उसका हमें पता नहीं है इस टाइम कि हम लोगों ने किधर रहना होगा। पैकेजेस हमारे तकरीबन फुल है, उसका भी हिसाब किताब लगाते हैं उस एयर के आने पर, अब उसका वेट करते हैं। हाँ जी, तो स्टोरी ये ऐसे है कि हम लोग अब बनाने लग गए हैं अपने तीतरों का ब्रीडिंग बॉक्स, जो कि हमें पहले बनाना आता था, हमने पहले बनाया होता था, उसके अंदर हम ब्रीड लिए कुत्ता। खैर ये हम लोग आज अब बनाएंगे, लेकिन हम अभी दिखा नहीं सकते क्योंकि बड़ा काम लान थी। मैंने फट्टी उठा के मारनी तेरे, हाँ हम आज दिखा नहीं सकते क्योंकि अब हम लोग दोनों मिलके बना रहे हैं, ये बना के फिट करके अब कल दिखाएंगे हम लोग ये कैसा ब्रीडिंग बॉक्स बनाया और इसकी डायमेंशन और इसका तरीकाकार क्या है वो मैं कल बताऊंगा। आज का व्लॉग आगे बहुत लंबा हो गया, आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर और बेल आइकन क्लिक कर देना है, और अल्लाह हाफिज़।